सब बहुत बढ़िया होंगे और इस वीडियो को बहुत प्यारी तरीके से बैठ के देख रहे होंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक लीन और हार्ट गेनर इंसान हो जिसको बहुत मुश्किल होता है मसल मास इंक्रीज करने में अपनी बॉडी के और आप हर एक पतले से लड़के हो जिसको हर कोई चढ़ाता है कि भाई कुछ लिया कर भाई मुझसे पैसे ले ले

और उसकी वजह से आप ना मसल मास और ना ही फैट अपनी बॉडी पे स्टोर कर पाते हो आप सिर्फ जल्दी खा लेते हो आप जो भी खाते हो वो जल्दी से जल्दी चला जाता है आपकी बॉडी से इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने का मन नहीं करता जो खाने को एक ड्यूटी समझते हैं हमारी तरह नहीं कि जो मिले वो खा लो हर टाइम खाने के बारे में सोचते ऐसे नहीं वो लोग खाने को ड्यूटी समझते हैं कि हाँ खाना खा लेंगे और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको समय नहीं मिलता खाने का जिसकी वजह से वो भूल जाते हैं अब वो कुछ भी हो सकता है आप ऑफिस जाते हो आप स्कूल स्टूडेंट हो कॉलेज स्टूडेंट हो आपको सुबह सुबह जल्दी निकलना होता है और उसकी वजह से आपका ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है जो कि सबसे क्रूशियल चीज़ होती है दिन में आपका ब्रेकफास्ट शुड बी अमेजिंग शुड बी गुड शुड बी फीलिंग और आपके ब्रेकफास्ट की बदौलत ही आप अपने पूरे दिन सर्वाइव कर पाते हो और लोग वही ढंग से नहीं लेते तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ एक शेक बता करके ये जो शेक होने वाला है ये प्योर नेचुरल होने वाला है इवन इसमें मैं प्रोटीन पाउडर भी ऐड नहीं कर रहा हूँ जो लोग बाहर से करते थे और बोलते हैं कि इसमें बहुत प्रोटीन है भाई तुमने उसमें प्रोटीन पाउडर ऐड कर दिया है, तो फिर प्रोटीन तो होना ही है ना अब मैं ये शेक ऐसा बता रहा हूँ जो मैंने पर्सनली खुद को हेल्प करा है अब आप बोल रहे तू तो, तो, तो पहले से पल किया तूने तो ने रेगुलर हेल्प करा इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से मैं शेक को कंज्यूम करता था बस थोड़ी क्वांटिटी कम रखता था चीज़ों की मुझे है ना सबसे बेकार चीज़ जो लगती है वो माँस गिराने लगता है मतलब मांस गीना तुम बाहर से खरीद रहे हो उसमें पता नहीं कितने प्रिजर्वेटिव होते होंगे क्या होता होगा जबकि तुम उसको घर पर ईजीली बना सकते हो और घर पर बनी हुई चीज़ है सबसे फायदेमंद सबसे सेफ सबसे सही होती है अगर आप अपने पेरेंट्स को भी बताओगे कि यार मैं घर पर ही ये रहा पीरो तो वो भी खुश होंगे क्योंकि जिस जो तो इनमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी होने वाले तो so बिना किसी देरी के कि अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वो शेक कैसे बनाना है सो लेट्स मेक कार शेक ना तो राइम हो गया ना लेट्स मेक कार शेक सॉरी ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को जो तो चीज़ चाहिए होगी वो है सबसे ईजी तो यूज चीज जो आपके घर में हर सुबह सुबह आती है वो है दूध आपको 300 सौ मिली लीटर दूध चाहिए उसके साथ में आपको चाहिए सिर्फ एक केला एक बनाना उसके बाद में चाहिए आपको कुछ 10 ग्राम के आसपास बादाम मतलब 10 बादाम ही मान लो तुम 10 ग्राम के आसपास बादाम बदाम होगा उसके बाद में आपको चाहिए पीनट बटर अब आप लोग मुझे बोलोगे यार पीनट बटर तो फिर से तुम तो बोलोगे रहे बाहर से फरीद के लाओ ये जो पीनट बटर मैं यूज़ करता हूँ ये घर पर बना हुआ पीनट बटर है अगर आपके पास ये बनाने की सहूलियत भी नहीं है तो सिर्फ थर्टी ग्राम पीनट्स मतलब तीस ग्राम मूंगफली आप इस शेक में डाल दो और वो आपका पीनट बटर का पूरा काम कंप्लीट कर देगा उसके बाद में आपको डालना है कोका पाउडर जो कि फ्लेवर ऐड कर देगा आपके शेक के अंदर बिल्कुल प्लेन फ्लेवर नहीं रहेगा आप पियोगे तो आपको टेस्ट आएगा जैसे तो कभी कोका पाउडर नहीं होता तो कॉफ़ी यूज़ कर तो हैं तो बिलॉस एजफ कॉफ़ी आप इसी जगह कुछ भी डाल सकते हो अगर आपको बॉनवीटा पसंद है तो ट्राई दैट कुछ भी जो आपको पसंद हो फ्लेवर के लिए उसके बाद में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो कि आपकी जो शेक है उसको एक थिकनेस एक बहुत अच्छा टेक्सचर देगा वो है ओट्स वैसे मुझे सबके ओट्स पसंद है मैंने केलॉक से ओट ट्राई करें सफोला के कोईकर के ओट्स ट्राई करें इसमें मैंने कोईकर के ही डाले बिकॉज कोयकर के ओट्स का टेक्सचर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है अगर आपके पास कर नहीं कर तो आप कोई से भी ओट्स यूज कर सकते हो सारे ओट्स ही बहुत अच्छे होते हैं तो सबसे पहले मैंने एटी ग्राम ओट्स को पहले पीस लिया है ऐसा पाउडर बना लिया और जैसे कि आप लोगों को ओट्स के टुकड़े मुँग में ना इसलिए मैंने इनका पहले पाउडर बना लिया था सो so फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ओट्स के अंदर अपना सारा दूध डाल देना है मतलब थ्री हंड्रेड मिली लीटर ऑफ दूध डाल देना है उसके बाद में हम थर्टी ग्राम ऑफ पीनट बटर मतलब पीनट भी आप कह सकते हो थर्टी ग्राम देखो मैं तोल रहा हूँ मैं तोल देखा थर्टी ग्राम्स डाल दूंगा ये थर्टी ग्राम्स अभी हो गए हैं अब जो आमर्स ना मैंने उनको थोड़ा सा क्रश कर लिया जैसे कि वो शेक को पीते हुए बहुत बड़े बड़े टुकड़े ना आए उसके इसलिए मैंने उसको क्रश कर लिया और क्रश करके मैंने उसमें डाल दिया और उसके बाद में आपको केला डाल देना इसके अंदर थोड़ा सा मैश करके मैं केला डाल देता हूँ फिर फ्लेवर के लिए कोका पाउडर मैंने डाल रहा हूँ उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपका सहूलियत में आता है कॉफी या कुछ भी डाल सकते हो बॉन वीटा एनवाल उसके बाद स्वीटनर के लिए मैं शायद डाल रहा हूँ थोड़ा सा सेट डालेंगे इसके अंदर एंड नाउ मिक्स मिक्सड तो ये अपना शेप आगे आए, थोड़ा थिक थिक दिख रहा है आपको इतना थिक तुम पी नहीं पाओगे अपन को पीना है खाना नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें अपन वाटर ऐड कर देंगे वाटर ऐड करने से थोड़ा सा ये और स्मूथ हो जाएगा थिक तेज से कम हो जाएगी और आप जब तक पाउडर ऐड कर सकते हो जब तक आपको लगता है कि हाँ इतना थिक बहुत है तो उसके बाद में अपना शेक रेडी है और देखो तो ये थी आपके एक बहुत टेस्टी घीना शेक की रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करना ये बहुत हेल्दी के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ एंड आप लोग अगर सोचोगे कि यार प्रोटीन में कैसे इन ले प्रोटीन शेक लेना चाहिए या नहीं अगर आप उससे जगह ये लोगे इसमें भी आपको थर्टी टू ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने सब्लीमेंट्स ट्राइक आपको बताऊँ कि मैं कौन सी चीज़ें यूज़ करता हूँ फॉर बॉडी बिल्डिंग तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कॉमेंट पर जरूर बताओ प्लस मेरे एग्जाम चल रहे हैं इसलिए अभी मैं कंसिशन वीडियो भी डाल पड़ाऊँ उसके लिए चाहोता तो मुझे बेस्ट ऑफ द कॉमेंट कर बोल सकते हो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे हैप्पी स्टे हेल्पी बाय